नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। धूमधाम से मनाया गया बिहार कृषि विश्वविद्यालय का 13वां स्थापना दिवस। कृषि मंत्री ने कहा, BAU देश के समृद्ध यूनिवर्सिटी में से एक। जगदीशपुर में मध्याह्न भोजन खाकर 50 बच्चे हुए बीमार। सभी का चल रहा है अस्पताल में इलाज, एक की हालत गंभीर। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। बृजलाल खापरी ने मोदी सरकार में शामिल नेताओं को बतलाया नकली अंग्रेज। स्कूल प्रबंधन की मनमानी आई सामने। अभिभावक ने शिक्षकों से की शिकायत, प्रिंसिपल ने मिलने से किया इनकार। और NH 31 पर बेलगाम दौड़ रही है गाड़ियां। ढावे पर खड़े वाहन को ट्रक ने मारी टक्कर, दो की हालत गंभीर। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर के सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय का 13वां स्थापना दिवस शुक्रवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, कृषि विभाग के सचिव डॉक्टर एन सरवन कुमार, हैदराबाद इंडियन मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक डॉक्टर सगंपा राजेंद्र प्रसाद, कृषि विश्वविद्यालय पूसा की डॉक्टर श्वेता मिश्रा और बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता BAU सपोर के कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार ने। इस दौरान पोषण अनाजों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसान वैज्ञानिक और कृषि पदाधिकारी समागम का आयोजन किया गया, जिसे संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय देश के समृद्ध विश्वविद्यालयों में से एक है और इसकी प्रशंसा राष्ट्रीय स्तर पर की जाती है। कृषि मंत्री AP सिंह ने कहा कि अपने स्थापना के 12 वर्षों में BAU ने अपने वैज्ञानिकों और पूरी टीम की कड़ी मेहनत से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई उपलब्धियां हासिल की है। इसके अलावा कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने विश्वविद्यालय परिसर में पौधारोपण भी किया, जबकि प्रबंधन की ओर से कुलपति ने उनका स्वागत किया। वहीं बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि यह विश्वविद्यालय कृषि विकास और किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और राज्य सरकार की पहल पर किसान कम लागत पर अधिक मुनाफे वाली खेती कर सके, इसके लिए जलवायु अनुकूल तकनीकों का सहारा लिया जा रहा है। कुलपति ने कहा कि इस दिशा में विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने सूखे को बर्दाश्त करने वाली सबौर हर्षित धान की किस्में और बाढ़ सुखाड़ में भी अच्छी पैदावार देने वाली सबौर संपन्न प्रभेद को विकसित करने में सफलता पाई है, जो किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इस दौरान मंचासीन अतिथियों ने पोषक अनाज एक झलक स्मारिका, तकनीकी बुलेटिन जलवायु अनुकूल कृषि में सौबा, ज्वार, छीना, कोदो और रागी का महत्व एवं उत्पादन तकनीक का विमोचन करने के साथ स्कूल ड्रॉप आउट युवाओं के लिए सर्टिफिकेट कोर्स की भी शुरुआत की, जबकि समारोह के मौके पर नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन, पोषक अनाजों के प्रति जागरूकता के लिए किसान वैज्ञानिक कृषि पदाधिकारी का समागम और पूर्ववर्ती छात्रों का मिलन समारोह सह सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन BAU के सामुदायिक रेडियो की RJ अनु कुमारी ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन विश्वविद्यालय के सह निदेशक प्रसाद शिक्षा डॉक्टर RN सिंह ने किया। मौके पर निदेशक प्रसाद शिक्षा डॉक्टर RK सुहाने, प्रोफेसर JA हैदर, BAU के सभी डीन डायरेक्टर, विभिन्न कॉलेजों के प्राचार्य और विश्वविद्यालय के PRO डॉक्टर शशिकांत समेत के सम्मानित अतिथि, किसान और BAU परिवार के छात्र छात्रा एवं कर्मी मौजूद रहे। आज विश्वविद्यालय का अत्यंत ही महत्वपूर्ण इसके जीवन का आज दिन है, आज के ही तारीख को और आज के ही दिन और 2010 में इस विश्वविद्यालय ने अपना प्रथम दिन और स्वरूप ग्रहण किया था। इस विश्वविद्यालय की अपनी यात्रा प्रारंभ हुई थी, आज उसी के उपलक्ष्य में इस दिवस पर स्थापना काल से लेकर आगे तक हमने अब तक क्या किया है, कितना आगे बढ़े हैं, किन किन क्षेत्रों में और हम लोगों ने इस विश्वविद्यालय को समृद्ध बनाने के लिए काम किया है, उसका आकलन करने का भी दिन है। इसलिए आज के दिन एक समारोह के रूप में हम लोग इसको मना रहे हैं, एक इवेंट्स के रूप में इसको मना रहे हैं और आज का दिन हम यूनिवर्सिटी के माननीय कुलपति सहित इस पूरे विश्वविद्यालय के परिवार को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस विश्वविद्यालय को
समृद्ध बनाने में उन्होंने अथक प्रयास किया है। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत सैनो पंचायत उच्च माध्यमिक मध्य विद्यालय में एमडीएम का खाना खाकर स्कूल के लगभग 50 बच्चे बीमार हो गए। इसके बाद सभी बीमार बच्चे को इलाज के लिए जगदीशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहीं एक बच्चे की हालत ज्यादा खराब होने के कारण उसके परिजन द्वारा उसे बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि अन्य सभी बच्चों का इलाज अस्पताल में जारी है। इधर इस मामले की जानकारी मिलते ही प्रखंड विकास पदाधिकारी रघुनंदन आनंद और जगदीशपुर थाना अध्यक्ष अमित कुमार मौके पर पहुंचे और बच्चों का हालचाल जाना। वहीं अधिकारियों ने कहा कि बच्चों का इलाज पहली प्राथमिकता है, जबकि घटना के कारणों की भी जांच कर दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। कहा स्कूल में क्या नाम है? स्कूल में क्या खाई थी? सब्जी, आलू और क्या था साथ में? चावल। क्या निकला? गिरगिट्टी निकला खाना से। तुम देखी? देखी थी। महंगाई और बेरोजगारी पर कांग्रेस ने देशव्यापी हल्ला बोल शुरू कर दिया है। इंडियन यूथ कांग्रेस के बैनर तले भागलपुर स्टेशन चौक पर शुक्रवार को दर्जनों कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता ने विरोध प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष परवेज जमाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों, बेरोजगारी, जीएसटी एवं अग्निवीर योजना के विरोध में जमकर नारेबाजी की। वहीं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव बृजलाल खापरी ने कहा कि मौजूदा दौर में लोकतंत्र को बचाने के लिए सड़क पर उतरना मजबूरी है। उन्होंने मोदी सरकार में शामिल नेताओं को नकली अंग्रेज बताया, साथ ही पूंजीपतियों के हित में काम करने और देश को बर्बाद करने का आरोप भी लगाया। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से ईडी की ओर से की जा रही जांच के सवाल पर बृजलाल खापरी ने कहा कि राहुल गांधी इन सब से डरने वाले नहीं हैं। सत्ता पक्ष जितनी ताकत लगा ले उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार दबाव डालकर हमें चुप कराने का प्रयास कर रही है, लेकिन हमारा काम लोकतंत्र बचाने का है। इसके पूर्व कांग्रेस नेत्री अनामिका शर्मा, कोमल सृष्टि, प्रशांत बनर्जी और पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं ने कंधे पर रसोई गैस सिलेंडर उठाकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं एआईसीसी मेंबर प्रवीण सिंह कुशवाहा ने बताया कि महंगाई के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि देश की जनता महंगाई की मार से त्राही त्राही कर रही है। कांग्रेस नेता मुजफ्फर अहमद ने कहा कि मोदी सरकार ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, दूध, खाने का तेल सब महंगा कर दिया है, जिस कारण आम जनता की पॉकेट ढीली हो रही है और पूंजीपति विदेशों में धन जमा कर रहे हैं। इस अवसर पर कार्यकारी जिलाध्यक्ष डॉक्टर अभय आनंद, विपिन बिहारी, सौरभ गौरव समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। राहुल गांधी जी ने बोला है तो अभी 50 घंटे बैठा ला है, अगर 50 दिन भी बैठा लेंगे तो हम डरेंगे नहीं। उनका नारा है ना डरेंगे ना झुकेंगे, और ना डरेंगे ना झुकेंगे के कारण ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन्हें ईडी का डर दिखाना शुरू किया। 50 घंटे की पूछताछ के बाद ही राहुल गांधी हंसते खेलते उस देश की आजादी को बरकरार रखने के लिए, देश के संविधान को सुरक्षित रखने के लिए, देश के आवाम को सुरक्षित रखने के लिए, देश के जरूरतमंद लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर हैं। लगातार लड़ेंगे, जब तक लड़ेंगे जब तक ये नकली अंग्रेज इस देश में शासन रहेंगे। बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर जैसी जो है वो केंद्र सरकार की योजनाओं के विरोध में तमाम कांग्रेस के, भागलपुर जिला कांग्रेस के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन इस बीच में आज हमारे जो है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से बिहार के जो है सह प्रभारी श्री बृजलाल खापरी जी यहाँ पहुँचे हैं, और इन्हीं के जो है साथ हम लोगों ने जो है ये केंद्र सरकार की जो जो योजनाएं हैं, जो गरीब गुरबा के जो है ऊपर जो अतिरिक्त जो है टैक्स जो है इसके रूप में जो है जीएसटी ने जो लगाया है, उसके विरोध में हम लोगों ने जो है आज का धरना प्रदर्शन किया। और मोदी जी को इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से जो है हम लोग जो है ये सचेत करना चाहते हैं कि आपका जो है ये तानाशाही रवैया बहुत नहीं चलने वाला।
कहा जाता है कि किसी भी छात्र छात्रा के जीवन में अच्छे शिक्षक का मार्गदर्शन होना आवश्यक है, लेकिन अगर कोई शिक्षक ही अपने छात्र के लिए परेशानी का सबब बन जाए तो फिर कोई क्या करे। दरअसल भागलपुर के होली फैमिली स्कूल में पढ़ रहे छात्र सुशांत सुमन के अभिभावक और स्कूल के शिक्षिका के बीच किसी बात पर विवाद हो गया, जिसके बाद छात्र माँ श्रावणी सिन्हा और शिक्षिका की जमकर झड़प हो गई। मामले को लेकर बराई थाना क्षेत्र के खंजेपुर निवासी श्रावणी सिन्हा ने बताया कि उनका बच्चा कई वर्षों से होली फैमिली स्कूल का छात्र है, लेकिन स्कूल के कुछ छात्र उसे बार बार परेशान करते हैं, जिसकी शिकायत छात्र की क्लास टीचर नीतू सिंह से की गई, लेकिन इस पर क्लास टीचर ने कोई संज्ञान नहीं लिया। वहीं शुक्रवार को स्कूल में बुलाई गई पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में जब छात्र की मां ने इस बात की फिर से शिकायत की तो क्लास टीचर ने दुर्व्यवहार करते हुए उन्हें क्लास से बाहर चले जाने को कहा। श्रावणी सिन्हा का कहना है कि क्लास टीचर ने उनसे धक्का मुक्की की, जिसके बाद देखते ही देखते विवाद काफी बढ़ गया। उन्होंने बताया कि इसके बाद मामले की शिकायत स्कूल के प्रिंसिपल SR सभीदा जॉन से भी करने की कोशिश की, लेकिन प्रिंसिपल ने उनसे मिलने से साफ इनकार कर दिया। इधर स्कूल प्रबंधन के इस रवैये को लेकर पीड़ित परिवार ने प्रशासन से स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्यवाही करने की बात कही है। आज तो टीचर पेरेंट्स मीटिंग था, बुलाया था, हम लोग आए। अच्छा, मार्च महीना से 2022 मार्च महीना मेरा बच्चा जो है सिक्स सिंह में पढ़ता है होली फैमिली स्कूल में, ये पहले से पढ़ता है, ऐसा प्रॉब्लम पहले हुआ नहीं था, लेकिन अभी इस साल जो हो रहा है ना, वो क्लास टीचर जो है मैम नीतू सिंह वो कभी कुछ सुनती ही नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं सुनती है। क्लास में बच्चा पर ध्यान नहीं देती है। अभी तो जीरो पीरियड किया गया है, जीरो पीरियड में क्लास में टीचर नहीं रहती है, तो वो जो मॉनिटर रखा है, मॉनिटर बच्चे को क्लास पूरा तंग करता है, वो मेंटल टॉर्चर करता है, नाम लिख देता है, आलतू फालतू गाली देता है। इस बारे में अगर हम टीचर को बोलेंगे तो टीचर सुनती ही नहीं है, टीचर हर बात सुनने के लिए कोई राजी ही नहीं है। अभी प्रॉब्लम कुछ दिन से है कि अगर बच्चा का मानिए कि कहीं पर रिजल्ट खराब हो रहा है तो इस चीज़ का र्यूमर पूरा स्कूल फैलेगा। दूसरा बच्चा, इसी क्लास का दूसरा बच्चा कुमार तेजस नाम का है, वो क्या किया इसके बारे में र्यूमर फैला दिया कि ये बच्चा जो है पूरा खराब रिजल्ट किया है। तो अगर खराब रिजल्ट किया ही है तो इस चीज को अब र्यूमर पूरा स्कूल फैलाइएगा, ये कहाँ का रूल है एकदम। पुलिस जिला नवगछा के रंगरा ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 31 पर सड़क किनारे ढावे पर खड़ी दो ट्रकों को एक अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें से एक ट्रक में सवार ड्राइवर और खलासी समेत कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों की पहचान मुंगेर हवेली खड़गपुर के तेतेरिया निवासी रामस्वरूप यादव के 28 वर्षीय पुत्र पंटूस यादव, जमुई लक्ष्मीपुर निवासी रोशन यादव के 18 वर्षीय पुत्र सुजीत कुमार, देवघर पालाजोरी बरडुबा निवासी मोहम्मद सैफुद्दीन के पुत्र 26 वर्षीय मोहम्मद साजिद अंसारी और पालाजोरी खियामोट निवासी मोहम्मद कासिम के 17 वर्षीय पुत्र मोहम्मद साबिर हुसैन के रूप में हुई है। घटना को लेकर एक ढावा मालिक संतोष मंडल ने बताया कि रंगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 31 के एक ढावा के पास बीती रात से खड़ी दो ट्रक को एक अन्य ट्रक ने जोरदार ठोकर मार दी, जिससे ट्रक असंतुलित हो गया और उसकी चपेट में आकर कई लोग घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोग और पुलिस की मदद से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हाँ, और गाड़ी दो पर लगी हुई थी, रात से ही था। हाँ, 9 बजे रात से लगी हुई थी पार्किंग में, और दस ट्रक आई ओवर चेक करने के क्रम में आगे ठोकर मार दिया। कितना लोग घायल हुआ है? तुम 4-5 आदमी घायल हुआ। पुलिस को मतलब कंफर्म किया? फोन किया, तुरंत पुलिस भी पहुंच गई। तो फोन किया और भी कुछ आप लोग की मदद किए थे? आप लोग मदद, विद्यार्थी दौड़ने वाला सब विद्यार्थी था, करीब 100 विद्यार्थियों का सब मिल के ड्राइवर फंसा हुआ था, उनको निकाला। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क TV। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर जमालपुर रेलखंड के नाथनगर स्टेशन पर ट्रेन से उतरने के दौरान एक वृद्ध महिला की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची रेल पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई। मृतक महिला की पहचान मुंगेर के तारापुर थाना क्षेत्र मिर्जापुर गौन निवासी अजय मिश्रा की 55 वर्षीय पत्नी रेणु देवी के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मृतक रेणु देवी पुरानी सराय स्थित अपनी बेटी के घर जाने के लिए नाथनगर स्टेशन पर ट्रेन से उतर रही थी। ट्रेन खुल जाने से उसका संतुलन बिगड़ गया और वह ट्रेन की चपेट में आ गई, जिससे कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अरे आज मेरी बेटी का बर्थडे है, ठीक है। आज मेरी बेटी बहुत खुश थी, बोली नानी तुम आओगी तब बर्थडे मनाएंगे, केक काटेंगे। तुमने आने से पहले हम केक नहीं काटेंगे। मेरी मम्मी उसका रोता चेहरा देख करके बोली नहीं बेटा हम आएंगे। मेरा दोनों भाई पीछे से आ रहा था। मम्मी बोली कि हम पहले चले थे, वो लोग ड्यूटी करता है, ड्यूटी में छुट्टी नहीं देता है। ये कहे उसका मालिक क्या नहीं है, सारा मतलब सच्चे दुकान का मालिक है मेरा भाई। ये सोच करके उसको लेट से वो दुकान बढ़ा लेता है तब आता है। अभी आई ट्रेन, यहाँ स्लो हुआ, दोनों भाई बहन को उतार दी मम्मी। ये मेरा चचेरा भाई है, वो मेरी बहन है। उसके बाद मम्मी उतरने लगी, इतने में मतलब तेजी हो गया, गाड़ी स्पीड में हो गया, मम्मी पैर फंस गया, उसमें स्लिप करके चली। भागलपुर स्काउट गाइड भवन सभा कक्ष में आजादी के 75 वर्ष पूरा होने के अवसर पर मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था की वरीय उपाध्यक्ष विद्या झा ने की। कार्यक्रम का उद्घाटन संस्था की उपाध्यक्ष विद्या झा, मनोज कुमार सिंह, जिला सचिव प्रवीण कुमार झा और जिला संगठन आयुक्त स्काउट विपिन कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान स्काउट गाइडों एवं संस्था तमाम पदाधिकारियों ने आजादी के महत्व पर प्रकाश डाला, जबकि बच्चों ने देशभक्ति गीत एवं देशभक्ति नारा लगाकर राष्ट्रीय झंडे के तले हर घर तिरंगा कार्यक्रम को साकार करने के लिए अपने घर पर तिरंगा लहराने को लेकर लोगों को जागरूक करने का संकल्प लिया। मौके पर सहायक गाइड प्रशिक्षक अनुप्रिया, स्काउटर रवि भारती, रोवर रितेश शर्मा सहित काफी संख्या में कई स्कूलों के 100 स्काउट गाइड मौजूद रहे। जल संकट को दूर करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी शहर की मुख्य समस्याओं में से एक है पानी की समस्या। भागलपुर नगर निगम क्षेत्र में जगह जगह पानी की विकराल समस्या उत्पन्न हो गई है। इस कारण आम लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड 1 मस्कन बरारी में बोरिंग नहीं होने के कारण सैकड़ों घरों को पानी की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जब लोगों ने इसकी सूचना युवा समाज सेवी विजय कुमार यादव को दी तो तत्काल मौके पर पहुंचकर उन्होंने अपने निजी कोष से बोरिंग का काम शुरू करवाया, जिसका विधिवत शिलान्यास आज युवा समाज सेवी विजय कुमार यादव एवं स्थानीय लोगों द्वारा किया गया। बोरिंग का काम शुरू होते ही स्थानीय लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली, साथ ही वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने बताया कि आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि या समाज सेवक द्वारा ऐसा कार्य नहीं किया गया जिससे इलाके के लोगों को पानी की समस्या ना हो। उन्होंने विजय कुमार यादव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समाज में ऐसे लोगों की सख्त जरूरत है जो आमजनों की जरूरत को समझे और उसे पूरा करे। समाजसेवी विजय कुमार यादव ने बताया कि पूरे शहर में लोग पानी के लिए परेशान हैं और इस ओर किसी का ध्यान नहीं है, जिस कारण मैंने लोगों की जरूरत को देखते हुए अपने निजी कोष से कई स्थानों पर बोरिंग करवाकर घर घर तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की और अब यहां के लोग भी पानी के लिए परेशान नहीं होंगे और ना ही महिलाओं को पानी लाने के लिए दूर जाना होगा। शहर के हर घर को पानी आसानी से मिले इसी संकल्प के साथ आगे भी कई कार्य करता रहूंगा। इस अवसर पर वार्ड के कई लोग मौजूद रहे। मस्कन बरारीपुर में यहाँ पे बहुत सारे कम से कम 100-150 लोगों को बहुत पानी की समस्या थी, जिसके कारण बहुत दिक्कत हो रही थी महिलाओं को, बूढ़ी माँ को बहुत दूर से पानी लाना पड़ता था। बहुत दिक्कत होने के कारण हमने युवा समाज से भी विजय यादव को सूचित किया और वो तुरंत देखते हुए हम लोग असुविधा को देखते हुए
वो अपने निजी कोष से एक बोरिंग देने का कार्य किया, जिससे कि 100-150 लोगों को पानी पीने की सुविधा होगी। और यहाँ की जनता की ओर से तहे दिल से बुजुर्गों को उनसे धन्यवाद देते हैं। यहाँ पे जो बोरिंग हो रहा है, हम लोग का पहले से बोरिंग था, जिसमें क्या बोरिंग फ्लॉप कर गया, जो कि हम लोग विजय बाबू के पास गए समाज को लेकर के सब मिल करके, तो उन्होंने आश्वासन देकर के बोरिंग खुद आकर के यहाँ पे दिए। और हम लोग का करीब यहाँ पे 50-60 घर जो है करीब पानी का दिक्कत था, जो कि सबको पूर्ति हो जाएगा। सनहोला प्रखंड परिसर में हुए व्यापार मंडल के चुनाव में 75 मत प्राप्त कर एक बार फिर से चंदन कुमार ने शानदार जीत हासिल की। गुरुवार को प्रखंड परिसर में सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया चलती रही, जिसमें व्यापार मंडल के मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं मतदान के बाद प्रखंड परिसर के सिल्क प्रशिक्षण भवन में मतगणना हुई, जिसमें चंदन कुमार को 75 मत और विपिन बिहारी सिंह को 21 मत प्राप्त हुआ, और इस तरह 54 मत से चंदन कुमार विजयी घोषित हुए। इसके अलावा व्यापार मंडल सहयोग समिति से अधिकतर प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए, जबकि जीते हुए सभी प्रत्याशी को प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाचित पदाधिकारी ने प्रमाण पत्र दिया। इधर जीत के बाद चंदन कुमार के समर्थकों द्वारा विजय जुलूस निकाला गया। विरपति प्रखंड में शांतिपूर्ण तरीके से व्यापार मंडल का अध्यक्ष एवं सदस्य का मतदान सम्पन्न हो गया। विरपति वीडियो चंदन कुमार चक्रवर्ती की देखरेख में हुए मतदान के बाद वोटों की गिनती हुई, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए त्रिलोकी ठाकुर ने 56 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी रविशंकर पांडे 44 मत प्राप्त कर दूसरे स्थान पर रहे। वहीं व्यापार मंडल के सदस्य पद पर अनिल सिंह, रंजीत सिंह और इस्लाम खान ने जीत हासिल की, जबकि चुनाव संपन्न होने के बाद सभी विजयी प्रत्याशियों के समर्थकों में काफी उत्साह का माहौल दिखाई दिया। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। धूमधाम से मनाए गए बिहार कृषि विश्वविद्यालय का 13वां स्थापना दिवस, कृषि मंत्री ने कहा BAU देश के समृद्ध यूनिवर्सिटी में से एक। जगदीशपुर में मध्याह्न भोजन खाकर 50 बच्चे हुए बीमार, सभी का चल रहा है अस्पताल में इलाज, एक की हालत गंभीर। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन, बृजलाल खापरी ने मोदी सरकार में शामिल नेताओं को बतलाया नकली अंग्रेज। स्कूल प्रबंधन की मनमानी आई सामने, अभिभावक ने शिक्षकों से की शिकायत, प्रिंसिपल ने मिलने से किया इनकार। और NH 31 पर बेलगाम दौड़ रही है गाड़ियां, ढाबे पर खड़े वाहन को ट्रक ने मारी टक्कर, दो की हालत गंभीर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।